वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरा पहुंचता है, भर भर पेट जब हम सांस लेते हैं, तो वह ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी में हर टिश्यू को, हर सेल्स तक पहुंचता है, जिससे कि हमारी शरीर में ताजगी आती है, तंदुरुस्ती आती है। समझ रहे हैं? आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपके शरीर में ताकत महसूस होगी, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अनुशासन सीखते हैं आप। मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हैं, तो कबड्डी खेलते टाइम आप कितना अनुशासित होकर आपको खेलना पड़ता है। लाइन टच करके जाना है, सांस टूटने से पहले वापस आना है, अपनी बारी पे जाना है, आने वाले खिलाड़ी को पकड़ना है। समझिए इस चीज़ को, है ना? और हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, बिल्कुल बिल्कुल चौकन्ना होकर सटीक निशाने के साथ खेलना पड़ता है कोई भी गेम आप खेलें। बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, जो बेनिफिट्स है उसको हम देख रहे हैं। ये हमने देखा कि तंदुरुस्ती देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन, कब क्या करना है कितना नहीं करना है ना। हमारी एकाग्रता यानी कि ध्यान को, कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं। हाँ जी, कब ज़रूरत है हेल्प करने की एक दूसरे की, हम ये सीख पाते हैं खेल की भावना के दौरान। खेल की भावना अपने आप में एक अच्छी भावना है ना। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना, ठीक है। ये हमें हमारे अंदर कई प्रकार के मॉरल क्वालिटीज़ भी डेवलप करता है, ठीक है। आइए पहचानें कि कौन कौन से खेल हैं जिन्हें हम घर पर खेल सकते हैं। दिए गए खाली स्थान पर हाँ या नहीं लिखिए। तो देखिए, ये फुटबॉल है, यहाँ पे लिखेंगे आप फुटबॉल, और इसको आप बताइए घर में खेल सकते हैं या बाहर, हाँ या ना। घर में खेलने के ऊपर पूछ रहा है कि घर पर खेल सकते हैं, और इसमें हाँ या ना बताना है। तो क्या बताएंगे आप यहाँ पे, घर पे खेल सकते हैं ना? यहाँ क्या बताएंगे आप? नहीं, ये वाला बताएंगे, देख रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। अच्छा, ये स्किपिंग है, तो इसको आप हाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इसको हाँ लिखेंगे, ठीक है। घर के अंदर खेलने वाले अपने प्रिय खेलों के नाम लिखिए। ये लूडो है, इसको हाँ लिखेंगे या ना लिखेंगे? इसको मैं तो हाँ लिखूंगा, बाकी आप क्या लिखेंगे मुझे भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और ये